हेलो फ्रेंड्स, हुमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत सिंपल तरीके से कैसे बनाते हैं, सिंपल तरीके से। और देखिए, आइए दोस्तों बनाते हैं सिंपल तरीके से चिकन। मैंने ले लिया है दोस्तों, और अब इसमें हम तेल डालेंगे। ये मसाले ले लिए हैं, इसमें आधा चम्मच हमने जीरा लिया है, एक छोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और 7-8 काली मिर्च और 2 लौंगे। ठीक है, ये हमारा तेल हो गया है और अब इसमें हम डाल देंगे ये 2 प्याज बड़ी चॉप कर ली है, और ये अब इसमें हम डाल देंगे। ये हमारा हो गया है और इसे हम फ्राई करेंगे। हमारी प्याज हो रही है और हम मसाला, जब तक ये हमारी प्याज हो रही है जब तक हम मसाला बता देते हैं आपको। तो देखिए, 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 टमाटर लिया है। और जब हमारी प्याज भुन जाएगी, ये देखिए हमारी प्याज हो रही है, अभी हमारी प्याज जब भुन जाएगी तो ये मसाला हम सब डाल देंगे इसमें। प्याज हो गई, अब इसमें हम मसाला डाल देंगे। ये देखिए सारा मसाला हम डाल देंगे इसमें, और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। ये देखिए हमने थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया है, अब इसको हम भून लेंगे। और देखिए, आधा चम्मच हम ये कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे इसमें, और इसको अच्छी तरह से अब हम भून लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा मसाला भून गया है और अब इसमें हम ये 3 चम्मच हमने ये दही दी है, और दही हमने अच्छी तरह से इसे ये देखिए फेंट लिए हैं अच्छी तरह से। और ये अब इसमें हम डाल देंगे दही को, दही इसमें डाल दिए और अब इसे हल्की आंच कर लिया, और इसको हम अब इसे हम भूनेंगे अच्छी तरह से। दही डाल के हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है, और अब इसमें हम चिकन डालेंगे। जो हमने ये 1 किलो चिकन लिया है, इसे अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है, और अब ये सारा चिकन हम इसी में डाल देंगे। ये देखिए हम सब चिकन इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने सारा चिकन डाल दिया इसमें, अब इसको इसे हम मिक्स करेंगे। हमने मिक्स कर दिया इसे, और अब इसे हम 10 मिनट के लिए हल्की आंच में रख देंगे ढक के। ये देखिए हमने ढक दिया है और आंच इसकी हल्की कर दी है, और 10 मिनट बाद फिर हम आपको दिखा दिया है। 10 मिनट हो गए हैं और अब इसमें देखिए पानी छोड़ दिया है मुर्गे ने, और अब इसे हम तेज आंच करके इसे हम भूनेंगे, फिर आपको दिखा दिया है। और इसमें हमने आधा ग्लास पानी डाल दिया है ताकि ये थोड़ा सा शोरबा हो सके, और इसमें हम 1 चम्मच हम ये देखिए गरम मसाला डाल देंगे। और अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चिकन की रेसिपी बनके तैयार हो गई है, बहुत सिंपल तरह से बनाया है हमने। आपके पास टाइम ना हो, जल्दी बनाना हो मुर्गा, तो आप ऐसे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल तरीका है, और बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही टेस्ट आएगा इसमें। और आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं आपके पास। थैंक यू दोस्तों।